हेलो फ्रेंड्स मोनिटोर एकेडमी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम अलाइज़ा पढ़ने वाले हैं आपने कमेंट करके लिखा था कि आपको अलाइज़ा मेथड पढ़ना है तो अलाइज़ा हम किस तरह से करते हैं बस मैं आपको उस मेथड उसका मेथड और उसका प्रोसीजर बताने वाली हूँ किस तरह से हम अलाइज़ा करते हैं इन लैब के अंदर सो so फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो अलाइजा इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं टेस्टिंग के लिए अलाइजा ठीक है अलाइजा फुल फॉर्म हमारे एंजाइम लेग्ड इम्यून सॉर्बेन टेस्ट होता है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली इनमें पूछे जाते हैं कि अलाइजा फुल फॉर्म क्या है अलाइजा के जो मैथड्स हैं जो हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं उनके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं ठीक है हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं सो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स ठीक है क्योंकि न्यू वीडियो की अपडेशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद मिलती है सो अलाइजा स्टैंड फॉर एंजाइम नेम्यून सॉर्बेन टेस्ट ठीक है फ्रेंड्स की फुल फॉर्म है इन सैंडविच सैंडविच एलाइजा एक होता होता है होता है हमारा सैंडविच सीरम टू बी इन ऑफ ऑफ माइक्रो माइक्रो वेल्स टाइटर प्लेट सो माइक्रो टाइटर प्लेट आपने देखा होगा जिसमें काफी सारी टिप्स होती हैं ठीक है सो माइक्रो टाइटर प्लेट उसमें क्या होता है माइक्रो वेल्स बने होते हैं ठीक है थीके? उसमें हम क्या करते हैं सीरम एड करते हैं टेस्ट के लिए ठीक है उसमें हम पहले सीरम एड करेंगे एंड देन माइक्रो टाइटर प्लेट इज कोटेड विद एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एंटीजन टू बी टेस्टेड इन सीरम सो इट इज कॉल्ड सॉलिड फेस सपोर्ट सिस्टम सो क्या होता है माइक्रोटैक्टर प्लेट होता है जो कॉटेड होता है एंटीबॉडी से ये क्या होता है स्पेसिफिक फॉर एंटीजन टू बी टेस्टेड इन सिरम ठीक है एंटीजन टेस्टेड करते हैं हम सीरम के अंदर दैन इसको हम सॉलिड फेस सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं सो इंक्यूबेशन इज डन

ठीक है एंटीबॉडी ऐड करेंगे जो क्या करेगा एक उसको कहते है, कहते है, और बॉन्डिंग करते हैं ठीक है सो दिस इज फॉलोड बाय इंक्यूबेशन ये इसके बाद क्या करते है? हैं इंक्यूबेट पे रखते हैं इंक्यूबेट करने के बाद हम चेक करते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हुए हैं या नहीं हुए वॉश इज डन टू रिमूव अनबॉन्डेड कंजुकेट और जो कंजुकेट अनबॉन्डेड है जो बाउंड नहीं हुए हैं उनको क्या करते हैं वॉशिंग से रिमूव कर देते हैं सो so, यहाँ पर क्या होता है हमारा वॉशिंग डन होती है और रिमूव हो जाता है अनबॉन्डेड कंजुकेट सो अक्रोमोजेनिक सब्सटांसिस एडेड इसमें हम क्या करते हैं क्रोमोजेनिक सबस्टांसिस इसमें एड करते हैं एंड इसको इंक्यूबेट के लिए छोड़ देते हैं किसी डार्क प्लेस पे ठीक है सो एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन सबस्ट्रेट लीड्स टू कलर डेवलपमेंट अब हमने क्या किया उसको मिक्स करके हमने उसे डार्क प्लेस पे छोड़ दिया तो यहां पर क्या होगा कलर डेवलपमेंट होगी ठीक है सो इंटेंसिटी ऑफ कलर प्रोडक्शन इज यूज टू स्पेक्टो फोटोमीटर एट स्पेसिफिक वेवलेंथ अब जो स्पेक्टो फोटोमीटर हमारी होगी मशीन होगी वो क्या करेगी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे इनकी कलर इंटेंसिटी को चेक करेगी ठीक है रिजल्ट क्या आएगा फ्रेंड्स इफ एब्जॉर्बेंस इज ग्रेटर देन कट ऑफ वैल्यू नेगेटिव एंड लो पॉजिटिव कंट्रोल सैंपल इज कंसिडर्ड पॉजिटिव सो क्या है यहाँ पे यहाँ पे ग्रेटर और जो वैल्यूज होंगी नेगेटिव और लो पॉजिटिव कंट्रोल कंट्रोल चेक करते हैं और कलंट इंटेंसिटी यहाँ पे मेजर की जाती है कि किसकी कितनी कलंट इंटेंसिटी है सो so आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट तो है हमारा एंटीबॉडी वेल well. ये एंटीबॉडी वेल well हमारी प्रेजेंट है ठीक है फिर हमने इसमें एड किया एंटीजन टू डी मेजर ठीक है एंड देन हम इसमें एड करेंगे कंजुगेट सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है हमारा ये इसके साथ बाइंड करेगा एंड एंड सबस्ट्रेट कलर इसमें करे, करेंगे जो क्या करेगा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है जो कलर इंटेंसिटी फॉर्म करता है जो कलर फॉर्म करता है ठीक है फ्रेंड्स एक सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जो अलाइजा मेथड है वो किस तरह से किया जाता है एंटीजन प्री कॉटेड सॉलिड फेज होता है हमारा सपोज कीजिए डायग्राम है एंड इसमें हमने ऐड किया है सिरम कंटेनिंग एंटी एच आईवी एंटीबॉडीज ठीक है हम एच आईवी टेस्टिंग के लिए एचआईवी एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं अलाइजा टेस्ट तो वो कुछ इस तरह का होगा तो ये जो सीरम ये आपने वाई शेप का देखा है ये एंटी एच आई वी एंटीबॉडीज कंटेन करेगा एंड देन ये अटैच करेगा ठीक है ये एंटी प्रीकॉटेड फे, सॉलिड फेस पे अटैच करेगा ठीक है उसके बाद हम इसमें ये ऐड करेंगे कंजुगेट कंजुगेट ऐड करेंगे ये हमारा सेकेंडरी एंटीबॉडी होता है ठीक है फिर इसमें सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद हम इसको देखेंगे तो ये क्या होगा इसमें कलर चेंजेस आएंगे इसमें कलर चेंजेस आएंगे इसके बाद हम रीडिंग लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एट स्पेसिफिक वेवल्थ जिसकी जितनी स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी हम उसमें उसकी कलर इंटेंसिटी को मेजर करेंगे ठीक है फ्रेंड्स सो so, ये था हमारा अलाइजा मैथड अलाइजा मैथड हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं और क्या क्या इसके रिजल्ट आते हैं कैसे हम उसका कलर इंटेंसिटी मेजर करते हैं सो फ्रेंड्स अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपको इसके आंसर मिल जाएंगे अगर इसके अलावा भी आपको कोई और मैथड पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप आप इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच